नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी को खाना मिले या ना मिले, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा जरूर मिल जाए। खाना उसको एक टाइम मिलेगा तभी वो चल जाएगा, लेकिन उसको अगर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब वो अपने लिए अच्छा से खाना भी कर लेगा और अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए चीज़ों को पूर्ति भी कर लेगा। दोस्तों, बिल्कुल ये वैसी ही चीज़ है जैसा कि भारत की जो डेवलपमेंट और रिसर्च करने वाली टीमें हैं, जैसे कि DRDO, उसने ऐसा कुछ काम कर रखा है कि अब हम अपने आप में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, अब आपको बता दें कि एक समय ऐसा था हम कोई भी चीज़ बनाते नहीं थे खुद से, सारी चीज़ें हम विदेशों से खरीदते थे अपने रक्षा से रिलेटेड। अब आज का एक ऐसा समय आ चुका है कि हम अपनी वॉरशिप्स को खुद तो रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करते ही हैं, लेकिन अब US और UK जैसे देश भी अपनी वॉरशिप को सोचिए भारत भेज रहे हैं रिपेयरिंग के लिए। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भारत का ये पावर ही है कि उसने एक समय ऐसा था कि US से अनाज मंगाना पड़ा था भारत को, और देश के प्रधानमंत्री और देश के दूसरे जो नेता थे उनको उस वक्त ये कहना पड़ा था कि भारत के लोगों को एक टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। एक वो समय था, और एक ये समय है कि भारत ने अपनी कठिन परिश्रम से आज दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया है कि दूसरे देश के लोग अपनी व्हाट्सएप सोचिए भेज रहे हैं, जो लड़ाई में काम आती है वो भारत में अब मेंटेनेंस उसकी हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है, क्योंकि भारत यहाँ पे उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सस्ते में भी कर देगा और टाइमली कर देगा। उसके अलावा भारत एक विश्वसनीय देश है, उन्हें मालूम है कि हम उनकी किसी भी चीज़ को, उनकी टेक्नोलॉजी को ना चुराने वाले हैं ना हम किसी को देने वाले हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमने ये मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल किया है, इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों, हमारे देश के लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ये मेहनत ऐसी हुई है कि आज जो भारत देश है एक मुकाम हासिल कर चुका है अर्थव्यवस्था में। एक जो GDP है भारत की, वो दुनिया में सबसे तेज आगे जा रही है, सबसे अच्छी ग्रोथ मिल रही है हमें को। और इकोनॉमिकल अगर देख लें तो हमारा जो अभी स्थान है 5वां स्थान है सबसे बड़ी इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, प्लस हमारे जो देश के लोग हैं वो सभी अच्छी अच्छी कंपनियां जो अमेरिका की हैं या दूसरे और पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहां पे वो एक मजबूत पद को होल्ड करते हैं, वहां के वो चीफ हैं। ऐसा समझ लीजिए कि भारत ने ये मुकाम ऐसे हासिल किया है। ये पहले जो अभी भारत को ये मुकाम हासिल हुआ है, ये पहले ये जो मेंटेनेंस वगैरह का काम होता था जापान और साउथ कोरिया में होता था, ये इनके विश्वसनीय देश हुआ करते थे USA एंड UK के लिए। लेकिन अब ये जो इंडो पैसिफिक है, जो इस जगह से अब उनको कुछ भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह करानी है तो वो भारत में रुक रहे हैं। भारत में एक जो प्रदेश है, राज्य है चेन्नई, वहाँ पर कट्टुपल्ली एक जगह है, वहाँ पर एक पोर्ट बना हुआ है जिसमें ये सारी रिपेयरिंग वगैरह होनी है। अब ये सारी इसलिए चीज़ें हो रही हैं, US और UK भारत पे इसलिए भरोसा जता रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना से परेशान हो चुके हैं। ये चाइना अब इन लोगों के कंट्रोल में है नहीं, वो इनको आंखें दिखाता है, तो अगर उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में करना है तो भारत का साथ इनको चाहिए ही चाहिए। बिना भारत के समर्थन के, बिना भारत के साथ के UK हो या US हो या दुनिया का कोई और देश हो, चाइना पर दबाव नहीं डाल सकता है किसी भी तरीके से। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए दूसरे देशों को भारत के बारे में सोचना पड़ता है। चाइना भी भारत से ऐसा ही नहीं दबता है, नहीं तो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है, जितना पैसा है, वो भारत को कब को दबा कर खा गया होता। लेकिन वो अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न ये है कि भारत की पॉपुलेशन, भारत के पास भी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है। अब भारत 1962 वाला भारत नहीं रह चुका है जिसमें भारत को एक युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था चाइना के सामने, लेकिन अब वो भारत नहीं है, अब बहुत ही विकसित भारत हो चुका है। अभी हालांकि हम डेवलपिंग फेज़ में हैं, लेकिन फिर भी इतनी है हम मजबूत हो चुके हैं कि हम अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब हम सोचिए दूसरे देशों में भी लोगों को बचाते हैं, एक अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि अभी एक कल की ही न्यूज़ आई हुई थी, भारत ने
23 पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई है। उनको अपहरण कर लिया था समुद्री लुटेरों ने, सोमालिया के जो समुद्री लुटेरों अपहरण किया था, लेकिन भारत ने उनको बचा लिया है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, भारत का स्टेचर विश्व में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई और भी कोई न्यूज़ अगर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।